जय हिंद। जितने भी पूर्व सैनिक हैं आप सबको नमस्कार करता हूं, खासकर जो आपके परिवार के मातृशक्ति यहां पर मौजूद है, उनको जो इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। भाइयों और बहनों नमस्कार, राम राम। देश को मजबूत करना है तो देश के सैनिक का सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसमें सैनिक का सम्मान नहीं होता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में इस देश के अंदर सैनिकों की इज्जत और सम्मान के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। मेरा मानना है कि जितना हमको अंग्रेजों ने नहीं बांटा उतना हमको अपने लोगों ने पिछले 60 साल में बांट दिया है। यहां तक कि हमारा पूर्व सैनिक समाज भी बटा हुआ है, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम अपने हित की आवाज नहीं उठा सकते। आज जरूरत है सैनिकों के उन सब चीजों की, उन सब जरूरतों की चीजों को पूरा करना जिससे वो मुस्तैद होकर आपकी रक्षा कर सके। सेनाओं को मजबूत करना है तो उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलना पड़ेगा। आप सबको एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं। मैंने अपने सेवा काल में कई देशों की यात्रा की, कई देशों की सेनाएं देखी, कई देशों के सैनिक देखे, लेकिन एक चीज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत के सैनिक से ज्यादा बहादुर, भारत के सैनिक से ज्यादा संवेदनशील, भारत के सैनिक से ज्यादा सहनशील दुनिया के अंदर कोई सैनिक नहीं है। हमारे ऑफिसर्स आगे से लीड करते हैं, और अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लड़ाई में जो ऑफिसर से जवान के मरने का अनुपात है, 17 जवानों के ऊपर एक ऑफिसर, इसका दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। यह सब इसीलिए होता है जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों के अंदर एक भाव है अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए। जब कहीं पर कोई कमी नजर आती है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके अंदर सैनिकों को और वर्दीधारियों को बुलाकर उसे ठीक करते हैं। तो आज अगर निर्माण का काम करना है, परिवर्तन का काम करना है, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिस तरीके से देश की सुरक्षा नीतियां हैं देखकर अफसोस होता है। हमारे पड़ोसी देश पश्चिम में, हमारे पड़ोसी देश उत्तर में, हमारे पड़ोसी देश यहां तक कि पूर्व के अंदर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं बेखटके, बेखौफ। और ये इसलिए कि हमारी नीतियां ठीक नहीं है, ये इसलिए कि उनको लगता है कि शायद हम कमजोर हैं। क्या आप कमजोर हैं? अगर हम कमजोर नहीं हैं तो हमको जो लोग कमजोर नीतियां बनाते हैं उनको बदलने की जरूरत है। देखिए, जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसके अंदर सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं है, उसके अंदर उसका दायरा बहुत व्यापक है। उसके अंदर आंतरिक सुरक्षा है, उसके अंदर आर्थिक सुरक्षा है, उसके अंदर सामाजिक और राजनीतिक सामंजस्य है, उसके अंदर वो सब कुछ है जो इस देश को खुशहाल बनाता है। और अगर आज कुछ कमी नजर आती है तो इसीलिए कि शायद राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारे बाहर की सीमाओं के बारे में आपको पता है, मेरा मानना है कि हमारी आंतरिक समस्याओं का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है
कि सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, शासकीय नीति और शासकीय तंत्र अच्छा हो और सब लोगों को एक समान अधिकार मिले और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। जब तक ये नहीं होगा तब तक मानकर चलिए कि देश के अंदर अव्यवस्था रहेगी और इसको व्यवस्था को सुधारने का एक ही तरीका है, हम सबको उसके लिए मिलकर काम करना है। अगर हमारे सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल कमजोर होंगे, अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। देश को मजबूत करना है तो देश के सैनिक का सम्मान करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसमें सैनिक का सम्मान नहीं होता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।